इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी जीतू तो तुझे पाऊं हारूं तो पिया तेरी So sorry. अंदाज़ा ही नहीं था ऑफिस में इतना लेट हो जाऊंगा. I thought I'd give you a call and you know. तुम खाना खा के आए हो? ऑफिस में ही खा लिया. सोफिया के साथ? वो भी थी. मोमल? मोमल मेरी तरफ देखो, क्या रोज रोज का तमाशा लगाया हुआ तुमने. शी इज माय बॉस, आई कांट लूज माय जॉब बाय पिसिंग हर ऑफ. सो इट्स ओके फॉर यू टू लूज मी? व्हाट रबिश. आई एम गोना लूज यू. समीर तुम्हें ये नौकरी छोड़नी होगी. क्या क्या कहा तुमने? जब तुम्हारी बॉस की वजह से मेरे और तुम्हारे दरमियान झगड़े हो रहे हैं तो व्हाट्स मोर इंपॉर्टेंट, योर स्टूपिड जॉब, योर स्टूपिड बॉस और मी? तुम चाहती हो मैं तुम्हारे शक की वजह से जॉब छोड़ूं, एंड दैट टू व्हेन आई एम एक्सपेक्टिंग अ प्रमोशन. 6 महीने से तुम्हारे प्रमोशन के बारे में सुन रही हूं मैं. तुम्हें नहीं लगता कि मुझे पता है कि ये सिलसिला कब से चल रहा है? जब से उसके बाप की डेथ हुई और उसने आके ऑफिस संभाला तब से तुम दोनों. बस कर दो मोमल यार, प्लीज. मैं तो ये भी जानती हूँ कि वो तुमसे शादी करना चाहती है. कैसे कह सकती हो तुम्हें? क्योंकि मैं तुम्हारे ऑफिस गई थी. तो मेरे ऑफिस गई थी? Are you spying on me now? Everybody in your office knows exactly what's going on. That's sick, Sameer. Stop this nonsense, Moomal. तो तुम क्या कहना चाह रहे हो? ये सब झूठ है? बोलो क्या ये सब झूठ है? हाँ ये सच है. वो मुझसे शादी करना चाहती है लेकिन मैंने तो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया ना. Then why are you insecure? Because I feel like I don't know you anymore. तुम्हारी लाइफ में इतनी ज्यादा सीक्रेट्स क्यों हो गई हैं? देखो समीर, अगर ये सब कुछ खत्म नहीं हुआ ना तो क्या करोगे तुम? तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं क्या कर सकती हूँ. क्या करोगे तुम? क्या करोगे? मुझे जान से मार दोगी? सोफिया को जान से मार दोगी? क्या करोगी? हाँ मैं तुम्हें जान से मार दूंगी. सब कुछ खोके मैंने तुम्हें पाया है. अगर किसी ने तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा. ये बात तुम सुन लो. जस्ट शट अप. ओके समीर. Many, many happy returns of the day. So pretty. You remembered? Of course. आज का दिन कैसे भूल सकता हूँ? तो वैसे भी हमारी शादी को 2 साल तो हुए हैं. हाँ, जब हो जाएंगे 20-25 साल तो शायद भूल जाऊँ. Thank you. You're welcome. मेरा गिफ्ट कहाँ है भाई? तुम्हारा क्या? हाँ मेरा गिफ्ट. Mm-hmm.
आओ मेरे साथ। Nice. कैसी लगी? Loved it. केक खा लिया? बस अच्छी बात है, यही खा के सो जाइएगा। मैंने डिनर का कोई इंतजाम नहीं किया। वैसे मेरे प्लान्स तुम्हारी सोचों से काफी आगे के हैं। Really? मसलन? मसलन ये कि हम रात डिनर पे जा रहे हैं और कल आप ऑफिस जा रहे हैं। Oops. फिर सैटरडे लीव ले ली है, संडे ऑफ है। वी आर गोइंग टू इस्लामाबाद। अरे पूरी बात तो सुन लो। क्या? आज रात की फ्लाइट है, ये आज रात 1:30 बजे का टिकट है। हम वीकेंड में ही गुजारेंगे। We must go to the mountains. Sure. Awesome. No, he's busy at the moment. और कल से वो ऑफिस नहीं आएगा। He's resigning. So don't you dare bother us again. क्या कर रही हो तुम? हेलो, हेलो सोफी, हेलो, ये क्या किया तुमने? पागल हो गई हो क्या तुम? हाँ हो गई हूँ मैं पागल। Because I don't want to lose you, Sameer. Do you even realize what you're doing? इतनी मुश्किल से हालात सुधरे तुम उन्हें फिर बिगाड़ रही। Are you insane? Yes, I am insane. I am insane. और इस सब की वजह तुम हो। I'm warning you for the last time. You'll lose me. Sameer, listen. Don't do this. Sameer, listen. Sameer, Sameer, please don't do this. Sameer. Sameer, रुको, Sameer, रुको, please. Sameer, Sameer, please don't do this to me. Sameer, you know I love you. मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती. Please don't do this to me, please. मैं क्या कर रहा हूँ? मैं क्या गलत कर रहा हूँ? गलत तो तुम हो. इतने सालों में तुम्हें कभी अंदाजा नहीं हुआ कि तुम कितनी डोमिनेटिंग और सफोकेटिंग हो चुकी हो. तुम्हें तो कोई अच्छा भला आदमी भी छोड़ दे क्योंकि तुम नर्व पर सवार हो जाती हो. हर वक्त अपनी मोहब्बत के दावे करते रहती हो कि तुम्हें मुझसे कितना प्यार है. कभी ये सोचा मैं तुम्हें कितना बर्दाश्त करता हूं? याद करो, याद करो, तुम्हें मुझसे मोहब्बत थी लेकिन मैंने तुम्हें कभी अपनी मोहब्बत से अलग नहीं किया. जितना हो सका तुम्हें चाहा लेकिन तुम्हें मुझसे मोहब्बत थी, मुझे नहीं. एंड स्टिल आई नेवर लेट यू डाउन.
जब मैंने कुछ करना चाहा तो मेरे रास्ते में रुकावट बनकर खड़ी होगी, बट नो मोर। तुम मुझसे मेरी फ्रीडम नहीं छीन सकती अब, माइंड इट। पैंतालीस मिनट पहले आपको मेरी क्लास में होना चाहिए था। आप यहाँ पिकनिक मनाने आई है, सोशलाइज करने का जरिया बना लिया आपने। इस शर्त पे खेलूंगी प्यासी, इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी। क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? अरे मूमल संभल के। मैं भी मूमल के बारे में ही सोच रही थी। कितनी अजीब सी बात है ना, दो दिन गुजर गए हमारी एनिवर्सरी को, ना मूमल का फोन आया ना समीर का। हाँ यार तुम कह तो ठीक रही हो, अब जब अपने दोस्त भी ऐसे मौकों पर याद नहीं रखेंगे तो दूसरों से क्या गिला करे बंदा। बहुत अजीब बात है यार, मूमल आज तक नहीं भूली। तुम कल फोन कर लो उन दोनों को। मैंने कॉल की थी, समीर का फोन बंद मिल रहा था और मूमल फोन नहीं उठा रही थी। लगता है वो इंग्लैंड जाके एक दूसरे में ही खो गए। इट्स नॉट एन एक्सक्यूज, वो वहाँ कोई हनीमून मनाने थोड़ी गए। समीर वहाँ 6 महीने से जॉब कर रहा है यार, मूमल तो कोई जॉब करती भी नहीं है। चलो छोड़ो, एंजॉय करने दो उनको, हम तो उन्हें नहीं भूले ना। हम कैसे भूल सकते। तुम्हें याद है द फर्स्ट टाइम वी मेट मूमल? तुम अभी तक लाल टमाटर हो जाते हो वो टाइम याद करके। देखो फिर शुरू हो गए। हाय। हाय। तुम्हारा पहला दिन है? लगता नहीं है। अफरोज। मोमल। अफरोज। ये कहाँ से आ गए? ये बहुत स्ट्रिक्ट हैं। खड़े खड़े बेइज्जती कर देते हैं। कम हियर। जी सर इमाद। क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं, मैं तो क्लास में जा रही थी कि मुझे रास्ते में ये मिल गई। इसका पहला दिन है, इसका नाम मूमल है। जी हाँ जानता हूँ, इनका नाम मूमल और इनका पहला दिन है, और पहले दिन ही अपनी क्लास मिस कर चुकी हैं। Have I? Yes, you have. 45 मिनट पहले आपको मेरी क्लास में होना चाहिए था। आप यहाँ पिकनिक मनाने आई हैं, सोशलाइज करने का जरिया बना लिया आपने। ये आपके लिए, ये भी आपके लिए, इमाद। हालत देखने वाली थी। I can't believe हम इतने stupid हुआ करते थे। वो करते थे से क्या मुराद है? हम अभी भी stupid हैं। मैं तो नहीं हूँ। तुम सबसे बड़े stupid हो। तुम लोगों ने बहुत hurt कर दिया उस लड़की को। क्यों भाई? ऐसा पहली दफा थोड़ी हुआ है। हमारे साथ भी first day ऐसे ही हुआ था। नहीं यार, वो कुछ ज़्यादा ही feel कर गई है। I think she's so sensitive. अब प्लीज ये ना कहना शी इज सो ब्यूटीफुल, शी इज सो स्वीट, इस तरह उसको सारी लड़कियां लगती हैं। ये बात नहीं है, लेकिन शायद दुख हुआ है उसे। अच्छा प्लीज अब उसको मनाने ना चले जाना, इस तरह तुम सब लड़कियों के साथ करते हो, रिएक्शन बहुत बुरा हो सकता है। क्या मतलब क्या रिएक्शन हो सकता है? थप्पड़ मार सकती है वो, जूता भी उतार सकती है। यार राइट, तुम लोगों को लगता है कि वो मुझे मार सकती है, मुझ पर जूता उठाएगी। क्यों?
ऐसी क्या खास बात है तुम्हें? Ask anyone. They just can't resist me. Oh please, किसी को मान में मत रहना. मुझे वैसे गुस्से वाली लगती है. अच्छा. चलो. अगर मुझे गैंग में शामिल कर लूँ, तो क्या ट्रीट होगा? गैंग में क्यों? ऐसी चैलेंज ले रहा हूँ यार. Impossible. क्या ट्रीट दोगे? मैं कोई ट्रीट नहीं दूँ. ये देगी. Okay, Doug. अगर तुम कामयाब हो गए तो ट्रीट मैं दूँ. लेकिन अगर नहीं कामयाब हुए तो जो मैं बोलूंगी वो करना पड़ेगा. Okay, done. हम दोनों तो उस दिन हैरान रह गए थे. समीर को तो डेफिनेटली लग रहा था कि तुम्हारे और मोमल के बीच में कुछ कुछ हो गया. लेकिन तब मुझे क्या पता था कि हम दोनों एक हो जाएंगे. किसकी किस्मत में कौन लिखा है ये भला कौन जानता है? हाँ भाई, मोमल और समीर को ही देख लो. मुझे तो पता भी नहीं था कि वे दूसरे को पसंद करते हैं. और अब उनकी शादी को एक साल हो गया. वैसे अल्लाह खैर करे किसी मुसीबत में ना हो. कैसा क्यों सोच रही हो यार? वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों हमारी वेडिंग एनिवर्सरी भूल जाएं. नहीं, लेकिन ये तो पॉसिबल है ना कि वो अपने किसी काम में बिजी हो. फिर तो अल्लाह उनकी खैर करे, क्योंकि मैं उनको नहीं छोड़ूंगी. कराची जाते ही मोमल को फोन करूँ. भैया थोड़ा तेज चला लें, होटल जाके पैकिंग भी करनी है. मैंने पैकिंग कर दी है और आपके एयरपोर्ट के कपड़े भी निकाल दिए. बड़ी सुघड़ हो गई हो तुम. होम स्वीट होम. थक गया यार. मैं जरा चेंज कर लूँ. मुझसे ज्यादा नहीं थके होगे. चाय पियोगे? थका हुआ हूँ, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि अपनी नींद उड़ा लूँ. सीमा, सीमा. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल है आपके? जी मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? बिल्कुल खैरियत से. अब मुझे बताएं, आप पीछे से प्लम्बर आया था? जी मैम आया था. ऊपर वाले बाथरूम का काम हो गया? जी मैम हो गया. चलें अच्छी बात है. प्लीज अब एक कप चाय पिला दें. अच्छा, थैंक यू, थैंक यू. मोमल की बच्ची. Think of the devil and the devil calls. Hello. हाँ बताओ क्या बात है? बात नहीं करनी थी, लड़ाई करनी थी. यार बड़े बेवफा हो तुम और समीर. तीन दिन से तुम लोगों का फोन का इंतजार कर रही हूँ. और तुम ये कैसे भूल सकती हो कि मेरी और इमाद की एनिवर्सरी थी? माना सस्ते हो, गिफ्ट नहीं भिजवा सकते तो एक मैसेज तो कर सकते हो. I'm sorry, Ifrooz. Sorry से कोई काम नहीं चलेगा. अच्छा सुनो. मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुन ली. अच्छा बोलो. मैं कल पाकिस्तान आ रही हूँ. Really? कितने बजे की फ्लाइट है तुम्हारी? सुबह में ही पहुंच जाऊंगी. Wow, what a surprise. और समीर भी आ रहा है? वो नहीं आ रहा. क्यों? बिजी है. हर वक्त ही बिजी होता है वो. बात कराओ मेरी उससे. अफरोज वो ऑफिस में है. उससे बोलो अपना बोरिया बिस्तरा ऑफिस में ही लगा ले. तुम्हें जब फोन करो वो ऑफिस में होता है. खैर छोड़ो, मैं और इमाद आके तुम्हें सुबह एयरपोर्ट से उठा लेंगे. ठीक है? ओके बाय. इमाद एक सरप्राइज है. क्या? कल सुबह मोमल आ रही है. रियली? तुमने फोन किया उसे? नहीं, मैं फोन करने ही वाली थी, उसका फोन खुद आ गया. अच्छा समीर भी आ रहा? समीर नहीं आ रहा, वो मसरूफ है. हाँ, इतनी बड़ी जॉब, इतनी अच्छी कंपनी, हमारे लिए कहाँ टाइम होगा उनके. बिल्कुल. मैं तो इतनी एक्साइटेड हूँ, मेरी सारी नींद उड़ गई है. वैसे तुम्हारी नींद मोमल नहीं बल्कि ये चाय उड़ाने वाली है. मत पियो इसे. माँ बहुत थक गई हूँ ना. प्लीज पीने दो. अच्छा पी लो.
मैं तुम्हारे बगैर अधूरी हूँ समीर, बिल्कुल उसी तरह जैसे तुम मेरी मोहब्बत के बगैर अधूरे हो। तुम्हें लगता है कि तुम मेरे बगैर जी लोगे, यही गलत फहमी दूर करने के लिए तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। ये ज़रूरी था क्योंकि मैं तुम्हें एक और गलती करने का मौका नहीं देना चाहती। तुम्हें इतना वक्त देकर जा रही हूँ कि तुम मेरी कमी महसूस कर सको। इस वक्त मैं अपनी जॉब, अपनी प्रमोशन और अपनी बॉस सबको आजमा रहा हूँ। जब तुम चाहोगे मैं वापस आ जाऊँ तब तुम खुद ही मुझे ढूंढ लेना। उससे पहले ढूंढने की कोशिश ना करना। मैं नहीं मिलूंगी। तुम्हारी मोमल। यार मोमल, मैं उसका दोस्त हूं। मैं इमाद, मैं तुम्हें कहा ना कि तुम बात नहीं करोगे तो नहीं करोगे। नहीं चाहिए मुझे भीख में मोहब्बत किसी की। ओके ओके ओके, रिलैक्स रिलैक्स। जाओ यार। इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी। मोमल, मैं तुम दोनों से बहुत नाराज हूँ। हमारी वेडिंग एनिवर्सरी गुजर गई, तुमने विश तक नहीं किया। अच्छा बाबा, कितनी बार कहना पड़ेगा? I'm sorry. Sorry से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और समीर कहाँ है? कहाँ ना, उसे टाइम ऑफ नहीं मिला। अच्छा बस रहने दो ना। तुमने फ्लाइट पे कुछ खाया? अब फ्लाइट में कौन सा बुफे का इंतजाम होता है? जो मिला था खा लिया। चलो फिर कहीं लंच करते हैं। चल। हाँ प्लीज, बहुत बकवास खाना था, बहुत भूख लग रही है। यार सच पूछो तो बहुत बेचैन थी तुम दोनों से मिलने के लिए। 6 महीने हो गए थे हम लोग नहीं मिले। समीर कोई शौक था ना मल्टीनेशनल में जॉब करने का, तुम लोग यहाँ होते तो हम लोग रोज मिले। अच्छा ये बताओ कि कितने दिनों के लिए बेचैनी दूर करने आई हो? जब तक तुम चाहो। वेल, अगर तुम मुझसे पूछो ना तो मैं तुम्हें कभी ना जाने। सोच लो, तुम दोनों के साथ रह रही होंगी तुम लोगों के घर कबाब में हड्डी बन के, फिर हाथ हाथ जोड़ने पड़ेंगे मुझे निकालने के लिए। तुम उसकी फिक्र नहीं करो, इनफैक्ट मुझे तो समीर की फिक्र हो रही है। वो इसके बगैर अकेला वहाँ क्या कर रहा होगा? क्या कर रहा होगा? इंग्लैंड में तो फिर रहा होगा सैड गाने गाते हुए। नहीं यार, मेरा ख्याल है उसे सजा मिलनी चाहिए। मैं इनफैक्ट समीर को कॉल करके बोलता हूँ कि हमने उसकी बीवी को किडनैप कर लिया है, अब अगर वो अपनी जॉब छोड़ के पाकिस्तान आ जाता है तो उसको वापस करेंगे। कैसा? क्यों बेचारे की रोजी पे लात मार रहे हो? सब कुछ छोड़ छाड़ के भागता हुआ आ जाएगा और कहेगा कि मेरा सब कुछ मुझसे ले लो, लेकिन प्लीज मेरी मोमल मुझे लौटाओ। वो कौन सा गाना है जो मैं गाती हूँ सारे कदीमा का? तुम ही गाती हो। कौन सा? मेरा कुछ सा तुम्हारे पास। अभी भी उतनी लेकिन जिंदगी वहाँ पे बहुत मुख्तलिफ है फ्रोज, सब कुछ खुद करना पड़ता है। कॉफी फॉर द टू ब्यूटीफुल लेडीज। थैंक यू। वैसे कितने दिनों के बाद ऐसा हुआ है ना कि हम सारे इकट्ठे हैं, 3 members ऑफ आवर गैंग आर टुगेदर। लेकिन क्या फायदा, मास्टरमाइंड तो साथ है नहीं हमारे। समीर क्यों नहीं आया? फोन करो उसको इमाद। अरे मैं कॉल कर रहा था उसे लेकिन उसका फोन ही बंद जा रहा है। हाँ उसने अपना नंबर चेंज कर लिया है। नंबर चेंज कर लिया? हमें बताया भी नहीं, अब तो उसकी क्लास बनती है। बताओ उसका रहा नंबर। मूमल यार तुम लोगों को क्या हो गया है? जब से मैं आई हूँ सिर्फ समीर की बातें हो रही हैं। क्योंकि मैं आ गई हूँ इसलिए मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, और क्योंकि वो नहीं आया इसलिए सब लोग उसके बारे में बात करेंगे। What? No, seriously. ये तुम कह रही हो? इसने एक वक्त था जब हर बात के अंदर ही समीर की बात ले आती थी, और आज कह रही है कि तुम उसे इम्पोर्टेंस दे रहे हो। हाँ भाई, क्योंकि जब मोहब्बत होती है तो अपने से ज्यादा महबूब की इम्पोर्टेंस होती है। क्यों? Am I right? 100%. तुम क्या कहोगी इस बारे में? मैं ये कहूँगी कि क्यों ना हम ये टॉपिक चेंज करते हैं, क्योंकि समीर की नज़र में मेरी और मेरी नज़र में समीर की कितनी इम्पोर्टेंस है
कि आप दोनों से बेहतर कौन जानता है. That's the point. और आपकी इस बात से ये जाहिर होता है कि आप हमें बताना नहीं चाह रही कि आप समीर के बगैर किस तरह फील कर रही हैं. Yeah. और वो बेचारा वहाँ अकेला बैठा आंखें भर रहा होगा. तुमने बताया नहीं हाउ डू यू फील उसको वहाँ अकेला छोड़ के. Ifrooz, stop it. It's enough. Moomal. Moomal, क्या हुआ है? Moomal, सब ठीक है? तुम्हारा झगड़ा हुआ समीर से क्या? मैं उसे हमेशा के लिए छोड़ के आ गई. What? ये क्या कह रही हो? How is that possible? शायद उसकी नजर में मेरी इम्पोर्टेंस ही खत्म हो गई थी. कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो? नहीं, हमारे बीच में कोई तीसरा आ गया था और मैं सजियत से गुजर ही नहीं पा रही थी कि जिसे मैं इतना टूट के चाहती हूँ वो किसी और को जाने लग गया. तुम दोनों के बीच में कोई और आ गया था? मैं नहीं मान सकती. तुम जरूर उस पर शक कर रही होगी. रिलैक्स, आराम से. नहीं, ये बात बात पर शक करती है. मैं इसको जानती हूँ. मैंने उनको इंटीमेट होते देखा है. पार्टीज पे वो एज अ कपल जाते हैं, डिनर्स पे जाते हैं, लॉन्ग ड्राइव्स पे जाते हैं. वो सारी चीजें जो उसे मेरे साथ करनी चाहिए वो उसके साथ कर रहा है और तुम कह रही हो कि मैं शक कर रही हूँ. तो उसकी कोई मजबूरी हो सकती है मूमल. क्या मजबूरी है? अपने बॉस के साथ बॉयफ्रेंड की तरह बिहेव करने में क्या मजबूरी है? अब मुझे समझ में आया. यू नो हाउ करियर ओरिएंटेड समीर इज. हो सकता है अपने बॉस को कंपनी देके कोई रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहा हो. और तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ? कैसे मैं देख लूं किसी और के साथ उसे ऐसे? बेवकूफ हो तुम. जज्बाती हो रही हो और कुछ नहीं. आराम से. नहीं, मैं इसको जानती हूँ. अपना घर बर्बाद कर रही है खुद से. यू नो समीर बेटर देन एनीबॉडी. तुम जानती हो वो जिस वेस्टर्न ब्रॉटअप में बड़ा हुआ है उसके लिए सब चीजें कोई मायने नहीं रखती. कोई इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होते. दैट्स इनफ. अब तुम समीर के बारे में मुझसे कोई बहस नहीं करोगी. अच्छा, रिलैक्स, काम करो. मैं समीर से बात करता हूँ. मैं नहीं बात करोगे तुम उससे. कोई भी बात नहीं करेगा उससे, समझे तुम दोनों? यार मूमल, मैं उसका दोस्त हूँ. मैं इमाद, मैं तुम्हें कहा ना कि तुम बात नहीं करोगे तो नहीं करोगे. नहीं चाहिए मुझे पीक पे मोहब्बत किसी की. ओके, रिलैक्स. जाओ यार, किधर रहना है मुझे? प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो. लीव मी अलोन. प्लीज चलो आओ. प्लीज अब रोना बंद करो. प्लीज, और ज्यादा सोचो मत. एंड प्लीज लेट अस टॉक टू समीर. कोई बात नहीं करेगा समीर से. तुम तो क्यों नहीं समझते हो? मूमल, इस वक्त तुम गुस्से में हो. हाँ, मैं गुस्से में हूँ, लेकिन मैं होश में हूँ. मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे बिहाफ पे उससे भीखे मांगे. अगर तुम चाहती हो कि मैं इस घर में रहूं तो कोई समीर से बात नहीं करेगा. सुना तुमने? अच्छा ठीक है, इस वक्त तुम सो जाओ, सुबह बात करते हैं.
इमाद प्लीज जल्दी आ जाओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। सुबह सुबह किसे फोन मिला रहे हो? समीर। समीर को? उसका नंबर कहाँ? हेलो समीर। इमाद क्या हाल है? तुम्हारा मोमल से किस बात पे झगड़ा हुआ है? मोमल तुम्हारे पास है? हाँ मेरे पास है। ऐसी क्या बात हुई है कि तुम दोनों अलग होने का सोच रहे हो? अब इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं, बहुत देर हो चुकी है। What? ये तुम कैसे कह सकते हो यार? क्या मतलब बहुत देर हो चुकी है? पागल हो गए हो यार क्या? उसने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपने पेरेंट्स, अपने रिश्तेदार। मना किया था ना कि उससे बात ना करना। क्यों मेरे लिए झगड़ रहे हो उससे? क्यों भीख मांग रहे हो मेरे लिए? मैं तो उससे ये भी नहीं बताना चाहती थी कि मैं कहां हूं। मुबारक, जा रही हूं मैं यहां से। ये तुम क्या कर रही हो मोमल? मुझे जाने दो इमाद। इम्पॉसिबल, ये मेरा घर है, समीर का नहीं है। जहां से तुम आ गई तुम्हें रोका नहीं। तुम समझ नहीं रहे हो इमाद, मैं इतनी अपसेट हूं कि अगर यहां पे रहूंगी तो तुम सबको डिस्टर्ब कर दूंगी। हम चाहते हैं कि तुम हमें डिस्टर्ब करो, हम बस ये नहीं चाहते कि तुम खुद डिस्टर्ब करो। तुम कहीं नहीं जा रही, बंद करो इसे यार। तुम समझ नहीं रहे हो, मैं पागल हो जाऊंगी, मुझे जाने दो इमाद। पागल हो नहीं जाओगी, पागल हो चुकी हो तुम। अपनी हालत देखिए, तुमने रो रो के क्या हाल कर लिया है। और ये सब इसलिए नहीं है कि तुम उससे नफरत करती हो, तुम आज भी समीर से मोहब्बत करती हो, जी नहीं सकती हो उसके बगैर। हाँ हाँ, नहीं जी सकती मैं उसके बगैर, मैं मर जाऊंगी उसके बगैर, मैं नहीं जी सकती उसके बगैर। जब से आई हूँ कोई जगह तलाश कर रही हूँ कि मैं सुकून से मर जाऊं। संभालो खुद को, सब ठीक हो जाएगा। तुमने समीर को फोन कैसे किया? उसने अपना नंबर नहीं बदल लिया? नहीं, उसने अपना नंबर चेंज नहीं किया था। मेरा ख्याल है मोमल ने हमें इसलिए नहीं बताया ताकि हम उसे कांटेक्ट ना कर सकें। तुम्हारी से फिर बात हुई? हाँ। क्या कह रहा था? पागल हो गया। कह रहा था उसे मोमल से कभी मोहब्बत थी ही नहीं, वो इडियट किसी लड़की के चक्कर में फंस गया है वहां पर। मुमल तो इस तरह मर जाएगी। I know. ये क्या कर रहा है? अरे आओ ना। बैठो। तुम लोग कभी भी कार्ड्स खेलते हो? हाँ। चलो आओ तुम भी खेलो, तुम्हें हराऊं मैं जरा। तो मुझे आज तक नहीं हरा सके, हमेशा जीतती हूँ मैं। पुरानी बातें हो गई हैं, बहुत प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं, रोजाना हराता हूँ इससे पूछ लो। हाँ तुम्हारे आने से पहले भी मैं हार ही रही थी। चल ठीक है फिर शर्त लगाते हैं। तुम जानती हो मैं शर्त नहीं लगाता। तो फिर तुम लगा लो। ओके। लूजर हैज टू हैव अ सिगार। नहीं मोमल, मेरे गले में वैसे ही दर्द हो रहा है। पूरा सिगार? सिगरेट? पूरा सिगार। फाइन लाओ मैं बांटती हूँ। श्योर? चीटिंग करोगी? लो काट लो, लाओ। अभी भी कह रही हूँ मात को बांटने दो। उमल तुम्हारे लिए यार। मुझे कौन खत? लव, मैं पढ़ता हूँ। भरोसा किया था तुम पे, वादा किया था तुमने मुझसे, अब समझ आया कि मैं उसे बताना क्यों नहीं चाहती थी कि मैं कहूं? क्योंकि मैं जानती थी कि वो मुझे तलाक के कागजात भेजेगा,
उसके बगैर तो रह सकती थी लेकिन उसके नाम को अपने नाम से अलग नहीं कर सकती थी। कहा था ना मुझे ना रोको, बोला था ना कि जाने दो, क्यों रोका? और रोका था तो वादा क्यों किया? और वादा क्या तो बचा क्यों नहीं सके तो मेरी शादी को? क्यों भरोसा किया मैं तुम पे? मूमल, क्यों वादा किया था तुमने मुझसे? मेरी बात सुनो। देखा ये तुम्हारी वजह से हुआ है। मूमल, मूमल, tell me something, अगर मैं तुमसे शादी कर लूं तो मैं लगता है तुम मुझे डरा सकोगी। इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी। तुम इस हद तक गिर सकते हो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्यों किया तुमने ये सब? ओ जस्ट शट अप, ये तुम्हारा वहम है कि तुम्हें किसी और से मोहब्बत है। तुम जैसा शख्स किसी और से मोहब्बत कर ही नहीं सकता, खुद गर्ज हो तुम बहुत। कितना प्यार करती थी वो तुमसे और तुमने क्या किया? अरे बस करो यार, तुम जिंदगी भर बदनसीब ही रहोगे। अब याद रखना मेरी बात। रिलैक्स एमाद, मेरा बस चले तो जो हो गया सो हो गया, अब सिर्फ अफसोस ही कर सकते हैं। और प्लीज तुम अब समीर से कोई और बात मत करना। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने मोमल की बात मान ली होती और समीर को कॉल ना की होती। लेकिन मुझे क्या पता था, मुझे लगा कि मैं उससे बात करूंगा मेरी बात समझ जाएगा वो। मैं सालों की दोस्ती में ये नहीं जान सका मैं समीर इतना खुदगर्ज है। तबीयत कैसी मोमल? उसका बुखार बहुत तेज हो गया है। आई गेव हर द मेडिसिन दैट द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड, लेकिन वो कह रहा है उसको बहुत मेंटल स्ट्रेस है और इस हालत में जितना रेस्ट करे जितना आराम करे उसके लिए अच्छा है। प्लीज कम सोफिया, मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। मूमल घर पे नहीं है क्या? व्हाई आर यू अफ्रेड ऑफ हर? मैं क्यों डरूंगी उससे भला? मुझे तो लगता था कि तुम्हें डर लगता है उससे। Tell me something, अगर मैं तुमसे शादी कर लूं तो मैं लगता है तुम मुझे डरा सकोगी। And what makes you think कि मैं तुमसे शादी करूंगी? Well, I have all the good qualities you're looking for. I am a very efficient manager. I am very reliable. And I am a good boyfriend, and I think I can be a good husband. अच्छा, तो ये बताओ कि तुम क्या-क्या नहीं कर सकते? I can't cook. I'm not good with my laundry, and pretty much everything outside the office, I can't do it. तो इसका मतलब है कि वो सब मूमल करती है। Well, you can say. What will you have? Anything on the rocks. इमाद, मूमल कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है क्या मतलब? मैं उसको जगाने गई, वो कमरे में नहीं है। मूमल, मूमल। सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। Sweetheart, that's where you're wrong. सारे मर्द एक जैसे होते। तो तुम्हारा इमाद के बारे में क्या ख्याल है? नहीं नहीं बताओ, क्या मैं भी किसी धोखे में हूं? सारे मर्द एक जैसे होते हैं फिरोज। इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार।